नमस्कार दोस्तों, यादव प्लम्बर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जानेंगे कि ये कौन सा सामान है और ये किधर लगता है, कौन सा फिटिंग है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो आप पूरा देखिए। और देखिए क्या होता है ना, बाथरूम में क्या लगता है और सनराइज में क्या लगता है, तो बहुत आदमी जानते होंगे, बहुत आदमी नहीं जानते हैं। जो नए आदमी हैं उनको नहीं मालूम है, तो जो आदमी जानते हैं जो आदमी नहीं जानते हैं तो दोनों आदमी ज़रूर देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट इसमें बताएंगे तो अपने को एक किधर से लीकेज होता है और इसका सलूशन क्या है, तो इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। और भविष्य में कभी लीकेज होता है तो किधर से होता है ये भी आपको बताएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जो कि अपना इसका क्या नाम है और इसका काम क्या है। अभी देखिए ये एक्सटर्नल कंपनी का फिटिंग है, जो कि पाइप और जो भी सामान और फिटिंग दिख रहे हैं आप, वो एक्सटर्नल कंपनी का है। और जो आप दाहिने साइड आप देख रहे हैं वो अपना चीनी मिट्टी का कोमड़ा बोले जाते हैं, जिसको मुर्गा भी बोलते हैं, कोमड़ा भी बोलते हैं। तो अभी चीनी मिट्टी का कोमड़ा है और महाराष्ट्र में एक्चुअली इसको कोमड़ा ही बोला जाता है। और कोमड़ा अभी तीन इधर दाहिने साइड कोमड़ा है और जो बाएं साइड आप देखते हैं उसका नोनी ट्राप नाम है, नोनी ट्राप नाम है उसका। वो 4x2.5 का आता है, यानी 110x75। तो अभी नोनी ट्राप में और अपना PVC का कोमड़ा में, इसको इसमें भी अपना PVC का आता है, जो कि PVC को उसको पीटरा बोला जाता है, इसको भी पीटरा बोला जाता है। लेकिन पीटरा जो PVC का आता है और चीनी मिट्टी का भी आता है और ये स्टाप भी आता है। तो ये स्टाप अभी आप देख सकते हैं, तो ये स्टाप किधर लगता है, अगर ये स्टाप अपने को लगाना है तो डायरेक्ट इधर संडास का टाकी होता है, उधर अपना ये स्टाप लगता है। और ये स्ट्रैप में क्या होता है ना, बाद में अगर भविष्य में कभी उसमें स्मेल आता है बाथरूम में, तो ये स्ट्रैप नहीं लगाइए। अपने को बी ट्रैप लगाएंगे तो बाहर आपका इसी पाइप से एयर का उड़ जाएगा, तो उसमें एयर बराबर पास होता है और ये स्ट्रैप में एयर पास नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी अपना बी ट्रैप लगाएंगे ना, या चीनी मिट्टी का या PVC का, तो उसका एयर बाहर जाके पासिंग होता है ना, तो बराबर पास होता है यार। तो अभी आप चीनी मिट्टी का बारे में आप जान लिए, तो चीनी मिट्टी का भी आप देख सकते हैं और नोन ट्राप का भी आपको दिखाते हैं। और नोन ट्राप किधर लगता है, जो कि अगर आप बेसिन में और बाथरूम में देखते हैं, जो आपके बाथरूम में पानी जाता है और जिधर आपका बेसिन में पानी जाता है हाथ धोने का, उसके नीचे अपना जो बेसिन या किचन के नीचे जो पानी जाने के लिए लगता है, उधर अपना नोनी ट्राप लगता है, जो कि आपके बाएं साइड है। और ये 75x110 mm आता है, यानी 2.5x4 का। और इसका काम अपने को बाथरूम में पानी जाने के लिए, किचन में और बाथरूम में, किचन में, बेसिन में। तो इससे क्या होता है ना, अगर नोन टाप आप लगाते हैं बाथरूम में, किचन में, तो रिवर्स बदबू स्मेल जैसे गटर लाइन का इधर नहीं आता है। और भांडे और कोमड़ा दोनों का यही काम है, जो कि इसमें हमेशा पानी रहता है। तो इसका यही काम है कि जैसे क्या होता है ना, अगर आप संडास में और बाथरूम में पानी डालेंगे, तो जैसे ही अगर पानी आप डालते हैं तो पानी एक बाल्टी डालेंगे तो जितना पानी पहले फ़िलहाल रहेगा उतना पानी उसमें रहेगा ही रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी जैसे हाथ नोन ट्राप के अंदर जाता है तो आगे उठा रहता है, फिर डाउन रहता है। तो इसमें हमेशा 100-200 ml पानी हमेशा रहता है, जो कि स्मेल न आए इसके लिए पानी हमेशा इतना रहता है। तो पानी जाने का सवाल नहीं है, अगर पानी चला जाएगा तो आपका नॉन ट्राप और
संडास और बाथरूम में आपका स्मेल आने लगेगा, यानी बदबू आने लगेगा। तो इस माप से ये बनाया जाता है, तो भविष्य में कभी इसमें बदबू न आए। अभी इधर 4 नॉन ट्राफ है और अपना 3 भांडे का कोमड़ा है। इधर अपना कोमड़ा हो गया और नॉन ट्राफ हो गया। अब इसको आगे का प्रोसेस बताते हैं, जो कि अपने को किधर से लीकेज होता है, और लीकेज होने का मेन जो है ना, अभी जो सबसे मेन टॉपिक है, जो अपना कोमड़ा लीकेज किधर से होता है वो बताएंगे, और नॉन ट्राप में क्यों नॉन ट्राप भी लीकेज होता है, और एक गलती आप करेंगे तो उसी से लीकेज होता है। तो वीडियो पूरा देखिए, फिर आपको करके दिखाएंगे। और क्या होता है ना, अगर 1 मिनट का काम के लिए, फिर वो भविष्य में कभी भी 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल के बाद लीकेज होना ही होना अनिवार्य है। तो लीकेज कैसे होता है, क्यों होता है, तो वीडियो आप पूरा देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। अभी बताते हैं आपको, आगे दिखाते हैं। अभी देखिए, सब अपना काम कंप्लीट हुआ है, तो किधर से लीकेज होता है वो आपको बताते हैं, जो कि अभी नॉन ट्राप में आप देख सकते हैं, जो कि आपके दाहिने साइड नॉन ट्राप रखा गया है। और नॉन ट्राप में अपना 6 इंची लंबा और 4 इंची का पाइप, जो अभी नॉन ट्राप के ऊपर पाइप पड़ा है, जो 4 इंची का पाइप डाला गया है, वो पाइप अपने को कभी भी ऊपर डाल के रखना है, जो कि फर्सी लगने के बाद वो कटिंग हो जाता है जितना अपना फर्सी उठता है। तो ये बात ध्यान रखिए, कभी भी अपने को नॉन ट्राप लगाते समय पाइप लगाना अनिवार्य है, उधर से अपने को बाद में लीकेज होता है। अगर पाइप नहीं लगाते हैं आप, अंदर सीमेंट लगाते हैं, 1-2 इंची बचता है, तो बाद में अगर पाइप नहीं लगाते आप, तो वो पानी बाद में उधर से लीकेज होता है, जो पाइप नहीं लगता है उधर से। तो मेन जो लीकेज होने का चांस है ना, जो आपके बाथरूम में पानी लीकेज होता है, जो पाइप नहीं लगाने के वजह से ही पानी लीकेज होता है। और ये अपना कोमड़ा भी आप देख सकते हैं, कोमड़ा में जो अपना अभी क्या होता है, ये चीनी मिट्टी का है और पीवीसी का है, इसको ज्वाइंट नहीं हो सकता है। अगर पीवीसी का कोमड़ा और पीवीसी का पीठरा रहेगा तो इजीली ज्वाइंट हो जाता है, लेकिन अभी चीनी मिट्टी का है और पीवीसी का पाइप है, तो इसको ज्वाइंट करके पहले गर्म करके इसमें फिक्स किया जाता है, और हल्का सा बजता है उसको डबल मोल्डिंग किया जाता है। और इसके ऊपर से अभी आप एमसील देख सकते हैं, क्योंकि एमसील चारों तरफ से लगाया गया है, जो एमसील बाद में हॉट टाइट हो जाता है। तो यहाँ से जो एमसील नहीं लगाते हैं आप, सीमेंट लगाते हैं, तो सीमेंट बाद में छोड़ देता है, 1-2 साल के बाद हल्का भी पानी अगर अंदर लीकेज हुआ तो बाद में छोड़ देता है। अगर एमसील लगाते हैं ऊपर से आप सीमेंट लगाते हैं, तो भविष्य में कभी भी उधर से लीकेज नहीं होने का चांस ही नहीं रहता है। तो ये बात ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ।